इस बीच बड़ी खबर के लिए आपको रोक रही हूं, आप बने रहिए मौसमी हमारे साथ। कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा हुई है। जी हां, उन्नाव रेप कांड में बड़ी खबर, कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा करार दी गई है। इससे पहले कोर्ट ने उसे दोषी माना था और उसके बाद उम्र कैद की सजा करार दी गई है कुलदीप सेंगर को। वही उन्नाव रेप कांड जिसने देश को झकझोर दिया था, कैसे एक विधायक पर यह आरोप था और उसके बाद से लगातार उसके परिवार को प्रताड़ित किया गया था, पीड़िता के परिवार को, उनके पिता की मौत भी हुई थी पुलिस कस्टडी में, जिसके बाद से यह मामला लंबा चल रहा था। कुलदीप सेंगर को आखिरकार उम्र कैद की सजा आज कोर्ट ने सुनाई है। उन्नाव रेप कांड में कुलदीप सेंगर को यह उम्र कैद की सजा हुई है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आती हुई, ये वही खबर जिसने देश को झकझोर दिया था। सत्ता में बैठे हुए लोग और उन पर लगे हुए आरोपों में ये कहा गया कि क्या रसूख की वजह से न्याय और इंसाफ ऐसे विभत्स रेप कांड में भी नहीं मिल रहा है। लेकिन अब आखिरकार दोषी करार दिए जाने के बाद उम्र कैद की सजा हुई है। संजय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। संजय, उम्र कैद की सजा हुई है कुलदीप सेंगर को? उम्र कैद की सजा भी हुई है, 25 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है, क्योंकि अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा है कि सेंगर चूंकि जनसेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, उसके द्वारा किया गया अपराध ज्यादा संगीन होता है, लोगों को प्रेरणा देने के लिए होने चाहिए ऐसे लोग, लेकिन इन लोगों ने जिस तरह का काम किया है, सेंगर टाइप के लोगों ने, वैसे पब्लिक में जनसेवक की यानी लोक सेवक की छवि भी खराब होती है। और अदालत ने उनको उम्र कैद के साथ साथ 25 लाख रुपए जुर्माना की सजा भी सुनाई है। सजा के वक्त सेंगर खुद यानी दोषी खुद अदालत में मौजूद था और साथ ही उनके परिवार के लोग भी अदालत में मौजूद हैं। यानी ये ऐसा मौका होता है जब परिवार के लोगों को भी लगता है कि आखिर ये क्या हुआ, जिनको जनता ये समझती है कि वो जनता के नुमाइंदे हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह की हरकतें की हैं, जो नापाक हरकतें की हैं, उसका क्या अंजाम होता है। यानी 30,000 कोर्ट ने सजा सुना दी है सेंगर को, उम्र कैद के साथ 25 लाख रुपए जुर्माना भी सुनाया गया है नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने। इसके अलावा संजय, आपको बीच में इसलिए टोक रही हूं क्योंकि पीड़िता की बहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। इंसाफ की घड़ी आई है, कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा, 25 लाख का जुर्माना, क्या कहेंगी आप? आपको लगता है आपकी बहन को न्याय मिला है? जी, आप इस वक्त आज तक पर लाइव है, क्या आपको लगता है आपकी बहन को न्याय मिला है? कोर्ट ने आज उम्र कैद की सजा सुनाई है कुलदीप सेंगर को, बताएं। जी, मुझे बहुत खुशी है ये बात सुनके कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे न्याय दिया, उसका धन्यवाद। और मैं ये चाहती हूँ ये मेरी बात कोर्ट तक पहुँचाई जाए। मैं कोर्ट, हेलो, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है और पूरा देश आपको इस वक्त सुन रहा है, अपनी पूरी बात कहें। उनका फोन लाइन कट गया है, लेकिन वो जाहिर तौर पर काफी खुश लग रही हैं इस बात से, बल्कि यहां तक कह रही थी कि मैं चाह रही थी कि कोर्ट तक उनकी खुशी और इंसाफ की जो आस लगाई, ये पूरा परिवार एक लंबे संघर्ष से गुजरा है, अब आखिरकार उन्हें इंसाफ मिला है। कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा हुई है। संजय, अपनी बात पूरी कीजिए, उनकी बहन इस न्याय, इस इंसाफ से खुश नजर आ रही थी। जी हाँ, बिल्कुल, कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने उम्र कैद और साथ ही 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग के साथ जो रेप उन्होंने किया वो साबित भी हुआ और साथ ही ये भी साबित हुआ, प्रोसिक्यूशन ये साबित करने में कामयाब रहा कि उन्होंने पीड़ित परिवार को धमकाया, उन पर दबाव बनाया, पहले मुकदमा वापस लेने के लिए, उसके बाद तरह तरह से धमकाया, अपने लोगों से धमकियां दिलवाई, ये तमाम चीज़ें साबित हो गई। और अदालत ने इस मामले में जो मैक्सिमम सजा है उसका प्रावधान किया, वो तजवीज़ की है, और अदालत ने कहा है कि वो उम्र कैद, यानी उम्र कैद का मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है उसका मतलब तो ये कि टिल हिज लास्ट ब्रेथ, यानी आखिरी सांस तक उसे सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। ये अलग बात है कि बहुत सारे मामलों में राज्य सरकारों के अपने जो मैनुअल्स होते हैं उनसे ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार 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 ये साफ किया है कि जब उम्र कैद की सजा दी जाती है इसका मतलब जिंदगी की आखिरी सांस तक कैदी को सलाखों के पीछे गुजारना होगा, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, एक तो कोई आम आदमी करे और दूसरा एक नुमाइंदा करे जो पब्लिक का नुमाइंदा है, जनता का नुमाइंदा है, जनता का रहनुमा बनकर इस तरह के काम करते हैं, तो ऐसे में ऐसी सजा तजवीज की जाए जिससे कि लोगों को
ऐसा कुकृत्य करने के पहले 100 बार सोचना पड़े। यानी जिस समय, ये अलग बात है कि जिस समय आदमी ये सब हरकतें करता है उस समय उसका जो बुद्धि का दिया होता है वो बुझ जाता है और उस समय सिर्फ आदमी को सिर्फ वो वहशत तारी हो जाती है उसके ऊपर, वो वहशत। लेकिन इस तरह की सजा ऐसे लोगों को वहशत के समय भी ये डराएंगी, ये बताएंगी कि अगर उसने ऐसा किया तो इसका अंजाम क्या हो सकता है। संजय, दोषी तो पहले ही कोर्ट ने करार दे दिया था, आज क्या सिर्फ सजा पढ़कर सुनाई गई और क्या उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि आजीवन मतलब मृत्यु तक जेल में ही रहना पड़ेगा? जी हाँ बिल्कुल, इसमें यह भी कहा गया, यह बताया गया पीड़ित परिवार के वकील की तरफ से, यह बताया गया पीड़िता की तरफ से कि इस मामले में जो सजा की तजवीज है सुप्रीम कोर्ट, जो मैं बता रहा हूं वो ये सारी चीजें अदालत के सामने रखी गई और दलील दी गई कि इसे आखिरी सांस तक सलाखों के पीछे रखा जाए। और इधर सेंगर की तरफ से भी बहुत सारी दलीलें दी गई लेकिन अदालत के सामने वो सारी दलीलें नाकाम साबित हुई, अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। आज भी एक बहस जरूर हुई वहां पर कि पीड़ित पक्ष की ओर से और अभियोजन के पक्ष से ये कहा गया कि इसे सख्त सजा दी जाए, जितनी सजा के कानून में तजवीज है वो सारा किया जाए और ऐसे में उनको उम्र कैद की सजा दी गई है, साथ में 25 लाख रुपए का जुर्माना भी अदा करना होगा। जो मुख्य दलीलें रही एक बार फिर से अगर जल्दी से संजय आप बता दें, क्योंकि अगर सजा पर आज ही दोनों तरफ से बातें भी तर्क भी रखे गए तो जाहिर तौर पर जो पीड़िता के पक्ष के वकील थे वो लगातार सख्त से सख्त सजा की ही मांग कर रहे होंगे, क्योंकि एक ऐसा शख्स था जो लोगों का नुमाइंदा था और उसने ऐसा गुनाह किया था। जी हाँ, जो शख्स है जो सलाखों के पीछे है जिसे सजा सुनाई गई है वो बीजेपी का विधायक रहा है वहां, बीजेपी ने उसे टेम्पररीली निलंबित जरूर किया है लेकिन अभी पार्टी से निकाला नहीं है। पार्टी लगातार इस बारे में कहती रही है कि किसी के ऊपर इल्जाम लगने का मतलब ये नहीं कि उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए, लेकिन अब जबकि सजा दी जा चुकी है तो पार्टी भी शायद सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि जब इतना सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, ये पहले ही अगर एहतियाती इंतजाम हो जाता तो जनता के बीच संदेश भी जाता। खैर, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो अपना देखें, लेकिन कानून ने अपना काम कर दिया है। कानून ने ये बता दिया है कि पब्लिक का नुमाइंदा अगर जनता का रहनुमा इस तरह के काम करता है तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, यानी उसमें कानून के निगाह में सारे लोग बराबर हैं। और ऐसे में क्या आम आदमी, क्या खास, खास को तो ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, ज्यादा सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जनता के लिए वो एक तरह का लाइट हाउस होता है, जनता उसे देखकर कुछ सीखती है, कुछ समझती है। लेकिन अगर ऐसे ही लोग इस तरह की चीजें करें तो वैसे में क्या किया जाएगा, क्या किया जा सकता है? तो यही किया जा सकता है जो अदालत ने उसके लिए सजा तजवीज की है। जबकि बीते दिन तक आप बने रहिए हमारे साथ, संजय आपके पास आएंगे, बड़ी खबर जो हम आपको लगातार बता रहे हैं, मरते दम तक सलाखों में ही रहेगा अब कुलदीप सेंगर, दोषी करार देते हुए आज कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है उन्नाव रेप कांड में बीजेपी के नेता, क्योंकि अभी तक पार्टी से निलंबित है, निष्कासित नहीं है कुलदीप सेंगर। बहरहाल, लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।